ऑल राइट गाइज, तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आपको HD फेस स्मूथिंग सिखाने वाले, कुछ इस टाइप से देख सकते हैं एंड ओरिजिनल फोटो कुछ इस टाइप से। तो गाइज फोटो में कितनी यहाँ पे डिटेल दिख रही एंड फेस पे कितने पिंपल दिख रहे हैं। तो गाइज फेस पे के पिंपल को मैं हाइड करूँगा एंड हाइड करके आप लोग को फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। देख सकते हो फेस पे कितने पिंपल है, फेस के ऊपर देख सकते हो कितने पिंपल है। तो गाइज इसके ऊपर हम लोग कैसे इसको हटाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आज की वीडियो पूरा वॉच करो एंड आपको सबको समझा दूंगा कैसे इस टाइप की एडिटिंग करी जाती है जो मैंने फ्रंट पे करके दिखाई है। एंड फेस कुछ इस टाइप का अभी हम लोग का देख सकते हो, हम लोग ने जो एडिटिंग करी है आप लोग उसको देख लेना एंड इसको देखना। तो गाइज आप लोग को इंटरफेस मिल जाएगा कैसे एडिटिंग मैंने करके दिखाई है एंड काफ़ी बेकार तरीके से फोटो लग रही है। एंड अभी हम लोग ने जो एडिटिंग करी है वो ऑसम लग रही है, देख सकते हो। अभी ये दिखा देता हूँ, देख सकते हो फोटो में काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल दिख रही है। तो गाइज इस टाइप की एडिटिंग आप लोग को भी सीखना है मेरी स्टेप बाय स्टेप से, तो गाइज वीडियो को पूरा वॉच करो, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अदरवाइज वीडियो स्किप करते हो तो गाइज कुछ ही नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एक एक पार्ट आज मेन है जो उसको आप देखोगे आप अपने से कर सकते हो। एंड फोटो में देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से HD लुक आ रहा है। तो गाइस इस तरह का HD लुक भी देना होगा, तो वीडियो में पूरा बने रहो। तो गाइस ये देख सकते हो ये ओरिजिनल फोटो है, ओरिजिनल फोटो पे आ चुके हैं। ओरिजिनल फोटो पे आने के बाद देख सकते हो फेस पे ऊपर कितने पिंपल है, पहले ये मैं दिखा दूँ आप लोग को। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग का पिंपल है, पिंपल है फेस एंड यहाँ पे एडिटिंग वाली फोटो। तो गाइस फोटो में देख सकते हो कितना बिफोर आफ्टर है। अभी इन लोग की नॉर्मल फोटो को हम लोग जो रहेगा उसको शेयर कर लेंगे स्नैपशीट ऐप में। तो गाइस यहीं से आप लोग को फोटो को शेयर कर लेना होगा, आप लोग भी शेयर कर सकते हो अपने फ़ोन से। तो गाइस यहाँ पे मैं स्नैपशीट ऐप में फ़ोटो को शेयर कर लेता हूँ, तो आप लोग भी शेयर कर लेना। यहाँ पे मैं शेयर कर चुका हूँ एंड यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, टूल वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा, डिटेल पे आना होगा एंड डिटेल पे आने के बाद इसका एक्सटेक्चर जो रहेगा इसको शार्पिंग को फुल कर लेना होगा, एक्सटेक्चर को भी हल्का प्लस कर लेंगे, जो फोटो में डिटेल और रहेगी और प्लस हो जाएगी। देख सकते हो फोटो में डिटेल और प्लस हो गई एंड इसको राइट टिक करते हैं एंड देख सकते हो बिफोर आफ्टर आपको दिखा दूँ, बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर फोटो में और डिटेल बढ़ चुकी है। तो गाइस टूल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, टूल इमेज पे आएंगे एंड डायरेक्ट एमिनेशन पे आ जाएंगे, इसको कुछ इस तरह से 19 कर लेंगे। 19 करने के बाद देख सकते हो फोटो में कुछ इस टाइप से लुक आ जाएंगे और डिटेल बढ़ जाएगी एंड इसके बाद इसको शेयर कर लेते हैं। तो गाइस फोटो को शेयर कर लेना, इतना करने के बाद आप लोग को फोटो को शेयर कर लेना होगा एंड यहाँ पे देख सकते हो फोटो को मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में और कर दिया एंड इसके बाद ऑटोडेस्क स्केच बुक में फोटो को शेयर कर लेना, मैंने शेयर कर दिया, आप लोग भी शेयर कर लेना वहीं से। एंड इसके बाद आप लोग को फुल HD फेस स्मूथिंग सीखना है तो ये वाला टूल यूज़ करना, टूल वाला आइकन पर क्लिक करके। तो गाइस ये वाला टूल यूज़ कर लेना एंड अभी आप लोग को क्या करना होगा, बेसिकली आप लोग पूरा वीडियो वॉच करो एंड यहाँ पे स्मूथिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना एंड फ्लो को 7 रख लेना एंड यहाँ पे स्ट्रेंच को 1 रख लेना है। 1 रखने के बाद गाइज अभी आप लोग को कुछ इस तरह से कर लेना होगा, करने के बाद गाइज अभी आप लोग बैक आना, बैक आने के बाद फोटो को कुछ इस तरह से जूम करके यहाँ पे स्मूथिंग स्टार्ट कर देना जैसे मैं, अदरवाइज आप लोग पूरा आप लोग वीडियो वॉच करो, देख सकते हो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कैसे एडिटिंग कर रहा हूँ एंड देख सकते हो फेस पे कुछ इस तरह से स्मूथिंग होगी आपके एंड इसको आइकन को आप बड़ा छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हार्ड फेस स्मूथिंग करके दिखाता है ये टूल एंड मैं ये कर रहा हूँ, देख सकते हो। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूंगा बट अभी आप लोग को इजीली मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है एंड देख सकते हो फेस पे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हार्ड स्मूथिंग हो रही है, थोड़ा यहाँ पे बफिंग कर रहा है। तो इसको आप लोग करना, आप लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आप लोग की फोटो एडिटिंग जो रहेगी फेस के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से होगी एंड इसको यहाँ पे देख सकते हो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे एंड यहाँ पे आपको जो ब्लैक ब्लैक आ जाता है साइड साइड वो भी नहीं आएगा आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो। एंड देख सकते हो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड आपको भी करना होगा एंड यहाँ पे अब मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो गाइज आप लोग पूरा वीडियो वॉच करो एंड यहाँ पे आपको स्मूथिंग के बाद एक ट्रिक और बताऊँगा, उसको देखना ध्यान से। Thank you.
गाइस यहाँ पे देख सकते हो फेस पे काफी अच्छी तरीके से एचडी लुक आ चुका है। हम लोग की क्वालिटी जरा सा भी नहीं गिरी हुई एंड यहाँ पे देख सकते हो फेस की यहाँ पे पहले कैसी एडिटिंग थी अभी कैसी है एंड बिफोर आफ्टर देख सकते हो। फोटो में कुछ इस टाइप से एडिटिंग मैंने करके दिखा दी फेस के ऊपर एंड फेस के ऊपर करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, फोटो को कुछ इस तरह से और स्मूथ कर लेना होगा। स्मूथ करने के बाद अभी आप लोग को क्या करना होगा, फोटो को सीधे से सेव कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं फोटो को सेव कर लेता हूँ एंड आप लोग भी यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना, वो भी एचडी में फोटो सेव कर लेना। सेव करने के बाद गाइस फोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। होने के बाद गाइस अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे लाइटरूम ऐप में फोटो को शेयर कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम ऐप में फोटो को, आप लोग भी यहीं से शेयर कर लेना लाइटरूम ऐप में एंड लाइटरूम ऐप में शेयर करने के बाद फोटो को ओपन कर लेना। तो गाइस यहाँ पे लाइटरूम ऐप में फोटो ओपन हो चुकी है। अदरवाइज मैं एक प्रीसेट देने वाला हूँ, आप लोग प्रीसेट को डाउनलोड करो एंड यहाँ पे लिंक मिल जाएगी प्रीसेट की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको कॉपी सेटिंग कर लेना, यहाँ पे फोटो में देख सकते हो एडिटिंग हुई है हम लोग की प्रीसेट की, ये एडिटिंग है। इसको आप लोग प्रीसेट को कॉपी सेटिंग कर लेना। यहाँ पे कॉपी सेटिंग कैसे किया जाता है, थ्री डॉट पे क्लिक करना, कॉपी सेटिंग करना एंड सब पे टिक कर देना क्रॉप को छोड़ के एंड इसको कर लेना राइट टिक। राइट टिक करने के बाद बैक अपनी फोटो पे आना एंड यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना एंड पेज सेटिंग कर देना। तो गाइस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेज सेटिंग। पेज सेटिंग करते फोटो में कुछ इस टाइप से लुक हो जाएंगे, देख सकते हो बिफोर आफ्टर काफ़ी ऑसम लग रहा है। यहाँ पे हम लोग की जो विंटेज की शेडिंग थी वो भी परफेक्ट शेडिंग में आ गए एंड देख सकते हो फोटो काफ़ी ऑसम लग रही। फेस को भी ज़्यादा वाइड कर सकते हो आप सैचुरेशन माइनस करने के बाद एंड मास्किंग पे आके अपने लिप्स पे कलर कर सकते हो आप। मास्किंग के ऑप्शन को यूज़ करके आपको ड्रॉ के ऑप्शन पे आना होगा एंड कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना होगा लिप्स पे। लिप्स पे ड्रॉ करने के बाद एंड यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा एंड इसका सैचुरेशन प्लस कर लेना होगा, टीन को प्लस कर लेना होगा एंड टेम्परेचर को माइनस। तो गाइस यहाँ पे आपके फेस पे भी लिप्स पे भी जो आएगा कलर वो भी हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो फोटो कुछ इस टाइप से मैंने करके दिखा दिया बहुत ही इजी स्टेप में एंड यहाँ पे जो जितनी भी मैंने ट्रिक बताई है वो सब रियल ट्रिक है, उसको यूज़ करोगे तो कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग हो जाएगी आपकी। तो गाइस आई होप वीडियो सबको अच्छी लगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।